हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में तो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक आता है एसिड व्हाट इज एसिड एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड लिट रेड यानी कि जो टेस्ट में शोर हो सोर टेस्ट के होते हैं और जो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस रेड लिटमस में चेंज करते हैं वो एसिड होते हैं या क्या प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिव एच प्लस आयन और एस थ्री ओ प्लस आयन यानी वाटर के प्रेजेंट में एसिड जो हैं वो एच प्लस आयन देते हैं तो नेचुरल सोर्स हमारे हो गया विनेगर विनेगर में एसिड एसिटिक एसिड ऑरेंज लेमन में साइट्रिक एसिड टर्मराइन में टार्टरिक एसिड टोमेटो में ऑक्जिलिक एसिड कर्ड में लैक्टिक एसिड मिलता है अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो रिएक्शन विथ मेटल अगर अगर कोई भी एसिड कोई भी डाल्यूट एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जैसे जिंक देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एस टू SO4 अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये बनेगा साल्ट ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस यानी किसी भी किसी भी मेटल के साथ अगर हम किसी एसिड का रिएक्ट रिएक्शन करा रहे हैं तो प्रोड्यूस होगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस सेकेंड आता है रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट अगर किसी भी एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्ट रिएक्शन कराया जाए तो सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सी सी ओ थ्री प्लस टू एच सी एल रिएक्शन करा दिए तो ये होगा सी सी एल टू सॉल्ट प्लस एस टू ओ प्लस सी ओ यानी सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है सेकेंड टॉपिक आता है सेकेंड कैरेक्टर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से विथ मेटल मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो बनेगा क्या कैल्सियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं HCl का मान लेते हैं तो ये बनेगा क्या कैल्सियम क्लोराइड सी फोर्थ आता है रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करवाते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ जैसे कॉपर ऑक्साइड सीओ प्लस टू एच सी एल तो ये ये प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट सी यू सी एल टू कॉपर क्लोराइड प्लस एच टू ओ यानि सॉल्ट प्लस वाटर ये प्रोड्यूस करता है अब आते हैं हम बेस पर वाट इज बेस बेस आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट सॉपी टू टच एंड टर्न रेड लिट टू लिटमस टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में बीटर होता है टेस्ट में और टच करने पर सॉपी होता है एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव ओ एच माइनस आयन ये देखिए एन एच वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एन ए प्लस ओ OH एच माइनस आयन प्रोड्यूस करता है केमिकल रिएक्शन रिएक्शन विथ मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करके जिंक जैसे हम जिंक का सल्फ्यूरिक एसिड में करवाए थे वहां पे हम बेस एन एच के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनेगा क्या सोडियम जिंकेट एन ए टू जेड एन ओ टू सोडियम जिंकेट प्लस एच टू हाइड्रोजन सेकेंड टॉपिक आता है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट और वाटर बनाता है जैसे सी ओ टू प्लस सी एच ट्वाइस तो ये बनेगा सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर वाटर प्रोड्यूस करता है थर्ड आता है साथ मिक्स होके okay, ये अपनी बेसिसिटी uh, लॉस करता है बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड सॉल्ट एंड वाटर दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड और बेस एसिड और बेस का ऐसा रिएक्शन जो साल्ट और वाटर को प्रोड्यूस करता है तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं तो पी एच वैल्यू ऑफ बेस रेंज फ्रॉम एट टू फोरटीन जो पी एच रेंज होता है बेस का वो एट टू फोर्टीन होता है अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इंडिकेटर इंडिकेटर आर द दो दो सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर और ऑर्डर व्हेन एडेड इनटू द इनटू एन एसिड ऑन एन एल्कलाइन सॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है इंडिकेट इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट चेंज देयर कलर एंड ऑर्डर अपना कलर और स्मेल को चेंज करते हैं जब उनमें ऐड किया जाता है एसिड और बेस को यह फॉर टाइम इनको क्लासिफाई किया गया है फोर टाइप्स में फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर सेकेंड होता है सिंथेटिक इंडिकेटर थर्ड होता है और फैक्ट्री इंडिकेटर और फोर्थ होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर तो इसके बारे में पढ़ते हैं तो नेचुरल इंडिकेटर जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा नेम से ही कि नेचुरल इंडिकेटर दिस इंडिकेटर्स आर फाउंड इन द नेचर इन इन द प्लांट्स एग्जाम्पल लिटमस टर्मरिक जूस सेकेंड आता है सिंथेटिक इंडिकेटर द इंडिकेटर्स विच आर सिंथे सिंथेसिज इन द लेबोरेटरी और इंडस्ट्री आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर एग्जाम्पल मेथिल ऑरेंज और फनाफ्ते जिसको इंडिके जिसको हम लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में बनाते हैं उसको बोलते हैं सिंथेसिस सिंथेटिक इंडिकेटर थर्ड आता है ऑलफैक्ट्री इंडिकेटर दो सब्सटेंस व order change in acidic medium are called olfactory indicators vanilla extract and onion etc fourth universal indicator to judge how strong given acid or base is a universal indicators is used which is a mixture of several indicator it shows different color at different concentration ऑफ़ हाइड्रोजन आयन इन द सोल्यूशन ये ये अलग अलग कंसनट्रेशन पे अपना कलर अलग अलग दिखाते हैं थैंक यू